ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम गुरु महाराज की कृपा से ये गीता के तीसरे अध्याय का और सातवां श्लोक है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और भगवान सद्गुरु की अंदर प्रेम की वर्षा हो रही है। गुरु महाराज कहते हैं अर्जुन से, यस्तित्रवान्द्रियाणि मनसा नियम्यारभवते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगमसक्तः सविशिष्यते। संधि विच्छेद के हिसाब से यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त सह विशिष्यते। शब्दार्थ के हिसाब से स यानी जो, तू यानी किंतु, इंद्रियाणि है इंद्रियों को, मनसा यानी मन से, नियम यानी वश में करके, आरभते यानी आचरण करता है अर्जुन यानी है अर्जुन, कर्मेन्द्रिय यानी समस्त इंद्रियों द्वारा, कर्मयोगम यानी कर्मयोग का, असक्त यानी अनासक्त हुआ, स यानी वही, विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि किंतु है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ। अब भैया ये जो गीता लिखी गई है, भगवान ने तो गीता बोली है अर्जुन से और संजय ने सुनी है और धृतराष्ट्र को सुनाई है। अब ना तो संजय ने लिखी है, ना धृतराष्ट्र ने लिखी है, ना कृष्ण भगवान लिखी है, ना अर्जुन ने लिखी है। ये लिखी है किसी एक ऐसे आदमी ने जो ज्ञानी व्यानी तो था ही नहीं, और उसने क्या किया है कि भगवान के जो शब्द थे उसमें कहीं वो भूल गया, कहीं छूट गया, कहीं कुछ हुआ जरूर है, नहीं तो भगवान कभी कहते ही नहीं कि इंद्रियों को वश में करके, है ना। क्योंकि जब ज्ञानी जानता है कि इंद्रिय और मन कभी वश में नहीं किए जाते, यदि इंद्रिय और मन वश में किए जा सकते होते तो फिर भगवान शंकर अप्सराओं को नहाते हुए देखकर, और वैसा जो शिवलिंग और जलेरी वाले जो कथा है शिव पुराण में आती है, ऐसा ना होता। यदि इंद्रिय वश में की जा सकती, मन वश में किया जा सकता, तो ब्रह्मा जी और सरस्वती वाला दुर्भाग्यपूर्ण कार्य न होता। यदि इंद्रिय और मन वश में किए जा सकते होते तो वृंदा यानी तुलसी का सतीत्व नष्ट करके और राक्षस को मारने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण पड़े हैं पुराणों में, इतिहासों में, कि कहीं कहीं क्या होता है कि इंद्रिय और मन को उपयोग में तो लाया जाता है लेकिन इंद्रिय और मन से जागा जा सकता है। तो ये वश में करने वाली जो शब्दावली है, ये शब्दावली में अर्थ कुछ गहरा अलग है और शब्द कुछ अलग है। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि मन के तल पर और वासना की मुक्ति नहीं हुई और ऊपर ऊपर आपने हट पूर्वक इंद्रियों को रोक लिया, जो छठे श्लोक में बोला है, तो ये मिथ्याचार और दंभ हो जाता है। लेकिन यदि आपका मन वासनाहीन हो गया है और आप चूंकि साक्षी का ध्यान करते हैं तो आपको तो पता है कि आप साक्षी में से जो ध्यान लगता है तब कोई किसी प्रकार की वासना आपके मन में नहीं आती, आपका खुद का अनुभव है। तो यदि मन आपका वासनाहीन हो गया यानी आप मन से हट गए, आप अमन अवस्था में चले गए, तो ऐसी अवस्था को
संतों ने मन का निर्मल होना बताया है, क्योंकि संसारी व्यक्ति अमन शब्द उसके लिए कठिन है। इसलिए संतों ने संसारी को समझाने के लिए कहा है कि मन का शुद्धिकरण यानी मन का निर्मल होना। मुझे एक बात याद आती है, कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ और जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि आप अमन अवस्था में आ जाएं, यदि आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार से हटकर जीने लग जाएं, तो अस्तित्व तो क्या बात कर रहे हो बाबू, अस्तित्व तुमको ऐसे तुम्हारे पीछे घूमेगा जैसे माँ अपने शिशु 2-3 महीने के बच्चे के पीछे घूमती है, उसकी फिक्र करती है। इसलिए मन का निर्मल होना या मन का वश में होना, वास्तव में देखा जाए तो मन के पार जाने की घटना का घटित होना है ना। तो मन के हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, क्योंकि मन के ओट में, मन के पीछे ही, तिल के पीछे ही ताड़ छुपा है, मन के पीछे ब्रह्म छुपा है। मन हटे तो ब्रह्म प्रकट हो, और मन रहे तो ब्रह्म छुप जाए। अतः जो मन का संयम यानी मन का साक्षी निरंतर रहता है, उसकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है, उसको वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे प्रकाश के होते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, अंधेरे को टोपलों में भर भर के बाहर फेंकने की जरूरत नहीं रहती। जैसे अग्नि के जलते ही कचरा अपने आप जल जाता है, अग्नि को कचरे को उठा के बाहर फेंकने की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि वास्तविकता प्रकट होने पर भ्रम दूर हो जाता है, फिर वो भ्रम रहता नहीं, ऐसे ही इंद्रियां जो हैं अपने आप वश में हो जाती हैं। अर्थात इंद्रियां फिर क्या करती हैं, केवल प्राकृतिक आवश्यकता अनुसार कार्य करती हैं। इसको कहते हैं इंद्रियाणि मनसा नियम्य। ऐसा पुरुष जिसके जो मन से हटता है, उसके हटते ही स्वतः आसक्ति यानी संग दोष समाप्त हो जाता है। जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो तो थक्का और पानी अलग हो जाता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा माया और ब्रह्म अलग हो जाता है। ऐसा पुरुष निरंतर अस्तित्व में ही जीता रहता है, उसकी इंद्रियां उसके शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए, शक्तिशाली और निरोग रखने के लिए जो उचित आहार और विहार है वो स्वतः ऑटोमेटिक करती रहती हैं। उसके बीच में जो बिचौलिया मन था वो भाग जाता है, और प्रकृति परमात्मा के अधीन अपना सुचारू रूप से काम करती रहती है। यह स्थिति जिसमें पुरुष अमन अवस्था में जीता है, यही स्थिति है कर्मयोग की अवस्था है। ये सारे जगत में जितने सारे धर्म और संप्रदाय हैं, उन सबसे ऊपर की स्थिति है, और ये मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ है। इसमें न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई राष्ट्र है, न कोई सीमा है। यह पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जहां पर भी जीवन है, वहां के लिए भी यही स्थिति श्रेष्ठ है। अब मन की निर्मलता पर मुझे एक उदाहरण भैया याद आ गया। मन की निर्मलता आपको समझ में आ जाएगी। एक आदमी आपके घर आता है, या कोई बहन आती है आपके घर, और आपके घर में 2 या 4 महीने का कोई बच्चा है, और उसको गोद में लेके लल्ला लल्ला वो वो करती है, और वो देता है मिला के सुर्री, मतलब मूत्र त्याग कर देता है उसके ऊपर, और भले ही वो मूत्र उसकी ठोड़ी और होंठ तक, नाक तक, मुंह तक, सिर तक या कपड़ों तक कहीं भी चला जाए, तो क्या उसको गुस्सा आता है? क्या उसको गुस्सा इसलिए नहीं आता कि वो बच्चे का मन निर्मल है, उसने कोई किसी प्रकार से जानबूझकर वो जो है नहीं किया।
लेकिन फिर क्या, वो कपड़े बदल लेते हैं, हंसते हैं, अरे लल्ला ने तो आज हमारे ऊपर मुक्ति कर दी, अरे वाह, तो दूसरे कहते हैं वाह वाह तुम्हारे ऊपर लल्ला ने मुक्ति कर दी, अब तुम्हारे घर में भी लल्ला आ जाएगा। तो ऐसे करके उसको बड़ा खुशी होती है, दुख नहीं होता। लेकिन अगर वही लल्ला जब बड़े हो जाए, 20-25 साल 30 साल के हो जाए, और वो गुस्सा हो जाए किसी के ऊपर और गाली गलौज करें, और जरा ना गाली गलौज भी ना करें, बस मुत्ती उत्ती भी नहीं करें, जरा सब थूक दें गुस्से में आके किसी के ऊपर, तो आप उस पे क्रोधित हो जाएंगे, और जितनी आपकी ताकत होगी उतना प्रतिकार करेंगे और मारपीट तक करने लग जाएंगे। इस घटना से आपको पता लग जाता है कि मन की निर्मलता कितनी प्रभावशील होती है ना। इस घटना को, इस श्लोक को समझने में ले आओ। अब आप मन सहित अगर आप हैं, तो आप हैं गंदे, और मन रहित आप हैं तो आपकी निर्मलता उस शिशु जैसी है। मन के साथ जीना दोष है, और मन से हटकर जीना उस निर्दोष शिशु के समान निर्मल जीवन है। मन के भ्रम के कारण ही आप परमात्मा को नहीं जान पा रहे। मन में आपके अंदर जो विचारों की आंधियां चल रही हैं, दुर्गंध भरी आंधियां चल रही हैं, जन्म जन्म की श्रांत भरा हुआ जन संस्कार की आंधी चल रही है, उस आंधी में आप उड़े चले जाते हो और मन से हटते ही नहीं। परमात्मा खड़ा है, परमात्मा ही शेष है, परमात्मा मन के जाते वही शेष बचता है, फिर भी आप हटते ही नहीं मन से। और मन का मैंने फिर दोहरा दूं कि मन से तात्पर्य केवल मन से नहीं है, मन एक प्रतीकात्मक है। मन से तात्पर्य आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, आपके संस्कार, आपकी आदतें, आपकी मूर्छा, आपका अज्ञान, आपका आडंबर, आपका भ्रम, आप जिसको धर्म मानते हैं अधर्म को, वो अधर्म, ये सब मिलाकर इसमें, इसको कहते हैं अंतःकरण, अंदर से इसको इस धर से लेना। और कर्म योग का यही सही अर्थ है कि आप कर्म करते हुए आपका कर्तापन हटाकर आप परमात्मा अस्तित्व से अपना योग बना रहे, इस तरह से आप कर्म करें, ऐसी सतत नित्य युक्तता की स्थिति के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि पहले आप मन से हटना सीखें और आत्म स्थिति को प्राप्त करें। अर्थात आप आत्म स्थिति में जब ठहरेंगे तो आपके कृत्यों में भी, आपके कर्मों में भी आत्म स्थिति में रहने का अभ्यास धीरे धीरे होता चला जाएगा, और जीवन की यही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, और बाकी की सारी स्थिति गौण है, नगण्य है। कलेक्टर बन जाओ, चाहे कमिश्नर बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, जब तक आत्मज्ञानी नहीं बने तब तक तुम कुछ भी नहीं बने। ये सब सपने के राजा, सपने की रानी, सपने की माया, सपने की कहानी। जब तक इस सपने से नहीं जागे, आपने कुछ पाया ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। इसलिए हमारा जो ये हिंदू धर्म है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका निचोड़ है आत्मज्ञान, मन से हटने की कला सर्वोच्च और सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थिति है, है ना। तो ये जो यह एकमात्र उच्च कोटि का जो जीवन है, इसके सामने बाकी के सारे जीवन निम्न कोटि के हैं। जैसे कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी छठे श्लोक में, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस स्थिति को पाने के लिए जो इंद्रियों का राजा मन है, उसकी कैद से जो इंद्रियों को छुड़ाना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 बालिकाओं को और उसके कैद से छुड़ाया था, जरासंध के कैद से छुड़ाया था, तो इस मन के कैद से आपको अपनी इंद्रियों को छुड़ाना होगा, मुक्त कराना होगा, और आत्म स्थिति की स्वाधीनता में
यानी इंडिपेंडेंस में लाना होगा। सदगुरु ही आपको इसकी युक्ति बता सकते हैं। दुनिया में कोई भी आपको इसकी युक्ति नहीं बता सकता, वो तो आपकी इंद्रियों को मन के और दूसरे चेंबरों में और दूसरे कारागारों में और ज्यादा मजबूती से कैद कर देगा। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सद्गुरु की युक्ति से ही इसकी मुक्ति है जीव की। और मन को वश में करने की जो भाषा है वो एक पहेली है, एक सिम है, एक सवाल है, इसका तोड़ केवल सद्गुरु जानते हैं। आपका मन बानर राज बाली के समान शक्तिशाली है। बानर राज बाली को क्या वरदान था? जो उसके सामने जाकर लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाती थी। आदि शक्ति जब बाली को मिल जाती थी और आदि शक्ति और बाली के तो खुद ही शक्तिशाली था, रावण को कांख में बांध लिया था, तो उससे जीतना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था। ऐसे बिना सद्गुरु के ये युक्ति से आपकी बिना सद्गुरु के आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर आपने इस मन का दमन किया तो ये इतना भयानक विस्फोट करेगा कि जितना इतना वश में करने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा चंचल होगा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि चंचल मन निषदीना भटकता है, जो मर कट तरु ऊपर चढ़ कर डार डार पर लटकता है। चंचल मन निषदीना भटकता है। ये जो है गीत आप देख लेना, इसमें एक एक शब्द मूल्यवान है। तो आप जितना जितना मन को वश में करोगे उतना उतना ये विस्फोट करेगा। देखो तुम्हारे मणिराम के वश में लोगों ने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर, न जाने क्या क्या बम बना लिए हैं। और इतने ऐसे ऐसे बम बना के बैठे हुए हैं कि जरा सी मूर्खता हो जाए तो पूरी पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाए। तो ये जो मन है ना, ये इसी ढंग से काम करता है। मन को जानना है तो ये बड़े बड़े तपस्वियों से बस में नहीं हुआ है। विश्वामित्र जैसे 1,00,000 वर्ष तपस्या करने वाले तपस्वियों से बस में नहीं हुआ है। इसलिए आपको, आपके पास तो 100 साल का ही जीवन है बल्कि और भी कम है, क्योंकि 100 साल के जीवन में 20-25 साल तो आपने पढ़ाई में गुजार दिए और 10-11 साल आपने बाल बच्चे पैदा करने में लगा दिए। अब बाकी का 10-11 साल मेरे लिए बचे हैं। इसके बाद तुम्हारे दांत वांत बचेंगे नहीं, आंख से ढंग से दिखाई देगा नहीं, कान से ढंग से सुनाई नहीं देगा, और तुम्हारी इंद्रियां काम करेंगी नहीं। गुरु महाराज बोलेंगे कुछ, तुम सुनोगे कुछ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ चिल्ली था, वो मेडिकल स्टोर पे गया और मेडिकल स्टोर वाले से बोला कि मस्त सोने की दवा दे दे यार। अब सेठ चिल्ली क्या था कि उसके दांत कुछ कम थे, थोड़ा भूखा था, साउंड अच्छा नहीं निकला। और मेडिकल स्टोर वाले ने सुन लिया कि दस्त होने की दवा दे दे, तो मस्त सोने की जगह दस्त होने की दवा सुन ली। तो मेडिकल स्टोर वाले ने दिया घोड़ा जुलाब, अच्छा जो घोड़े को दिया जाता। और सेठ चिल्ली आया, फर्स्ट क्लास बिस्तर लगाया शानदार, और गिलास भर बढ़िया दूध लिया और वो जो है दवा ली और दवा पी के और मस्त से सो गया। अब आधा पौन घंटा भी नहीं हुआ कि सेठ चिल्ली के पेट में हुई गुड़गुड़ और पूरी रात हो गई। सेठ चिल्ली लोटा ले लेके भागा, लेकिन जब सुबह हुई तो सेठ चिल्ली डंडा लेके गया मेडिकल स्टोर वाले को मारने के लिए कि गधे कहीं गए, तुझसे कहा था मैंने मस्त सोने की दवा दे, तूने कौन सी दवा दे दी? तो भैया मैंने तो वही दवा दी जो आपने मांगी, आपने कहा था दस्त होने की दवा दे दो। तो इस प्रकार से यदि आपने इस समय अगर परमात्मा को नहीं पाया, जब आपकी इंद्रियां व्यवस्थित ढंग से मुझे सुन सकती हैं, सदगुरु को सुन सकती हैं, तो फिर तो जब आपकी इंद्रियां ढंग से सुन ही नहीं पाएंगी और समझ ही नहीं रहेगी और आपके तंतु सब शिथिल हो जाएंगे,
अरे ध्रुव और प्रहलाद बेवकूफ थे क्या है? जो बचपन में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सुखदेव मुनि, ये क्या, ये लोग क्या है? तुम्हारे से तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। सुखदेव मुनि कम बुद्धिमान थे क्या? 16 वर्ष के सौर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम घूंगर वाले केश झलकित सुख मुनि चरण प्रणाम हम। ये जो हमारा मार्ग है, ये जो ध्यान है, ये सुख मुनि के द्वारा प्रणीत ध्यान है। ये क्या है? अमरनाथ में भगवान शंकर से जो अमर कथा सुनी थी सुख मुनि ने, ये वही अमर कथा वाला ध्यान है। अमर कथा कोई किताब नहीं है जो लोग पढ़ के सुना दो। अमर कथा यही साक्षी ध्यान जान ध्यान भान जागरण, यही है अमर कथा। तो ये जो है ना, मन तो हर किसी के बस में हो नहीं सकता भैया, अमन अवस्था में आना होगा। और मन तो साक्षी साधना के सफल होने पर आपको अमन अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जब आपको अमन अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आप मन को ढूंढोगे तो मन आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। जैसे सूरज के उदय होने पर 12 बजे अगर उल्लुओं को ढूंढो तो उल्लू ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं, पता नहीं किस खोक कंदरा में, गुफा में और पेड़ की कोटर में घुसे हुए होते हैं। ऐसे ही सूरज के उदय होने पर जैसे अंधेरा ढूंढे ढूंढा नहीं मिलेगा मिलता, ऐसे ही तुम्हारा ये मन है ना, ये साक्षी के पकने पर प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था आने पर ये मन आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। गीता का ये सूत्र है, बस ये इसी श्रेष्ठ अवस्था के बारे में आपको आमंत्रित कर रहा है। आ जाओ, उपदेश दे रहा, आ जाओ मेरे प्यारो, है ना। और गुरु महाराज का भी आपको निमंत्रण है कि आप मन से परे अमन अवस्था में जाएं, मन के बस में करने के चक्कर में और अपना जीवन न खोएं, व्रत की साधना न करके सीधा सीधा साक्षी का ध्यान करके और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानें। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।